हेलो फ्रेंड्स, मैं वालोकराज और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 11, 12 और 13 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, इसमें हम करंट अफेयर्स तो देखेंगे ही, साथ में ये भी देखेंगे कि इससे किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। पूरा डिटेल्स भी थोड़ा सा देख लेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी संडे को जैसा कि मैं पूरा बताता हूँ वैसे बताऊँगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और दाएं साइड में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास की शुरुआत की गई। तो भारत और चीन के बीच क्या किया गया? युद्धाभ्यास की शुरुआत की गई। इसका नाम क्या है? हैंड इन हैंड। और ये भारत और चीन के बीच 10 दिसंबर 2018 को हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास की शुरुआत की गई। और इस युद्धाभ्यास का उद्घाटन समारोह चीन के शहर चेंगडू में किया गया। और ये युद्धाभ्यास 10 दिसंबर से 23 दिसंबर 2018 तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की ओर से कंपनी की 11 खिखली टुकड़िया और चीन की पीपल्स आर्म लिबरेशन आर्मी और तिब्बती मिलिट्री जिले की एक रेजिडेंट संयुक्त सेना अभ्यास में हिस्सा लेगी। और भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व यदि पूछता है कौन करेगा तो कर्नल पुनीत सिंह तोमर करेंगे और कमांडिंग ऑफिसर जो होंगे। 11 खिखली टुकड़ी और चीनी टुकड़ी का नेतृत्व कर्नल झो चुंग कर रहे हैं। PLA के संयुक्त प्रशिक्षण और वरिष्ठ प्रतिनिधि मेजर जनरल कुआंग देवांग ने दोनों देशों के कई अधिकारियों की मौजूदगी में परेड का निरीक्षण किया। इस अभ्यास के दौरान इंडोर कक्षाएं और आउटडोर प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। और ये जो है भारत और चीन का ये 7वां सैन्य अभ्यास है और इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के उपयोगी अनुभव को साझा करना तथा भारत और चीन की सेनाओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना। अगला है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो गया। मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटें 230 है और इसमें पिछली गवर्नमेंट जो कि भाजपा थी, 15 साल से लगातार भाजपा सरकार बनाते आ रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिली हुई हैं जो कि बड़ी पार्टी बन के उभरी है और भाजपा जो कि पिछली गवर्नमेंट में थी उसे 109 सीटें मिली हुई हैं। और सरकार बनाने के लिए, बहुमत हासिल करने के लिए वहाँ पर कितनी सीटें चाहिए? 116 सीटें चाहिए। चलिए, तो ये मैंने डिटेल्स बता दिया थोड़ा सा, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का परिणाम भी घोषित हो गया और इसमें बहुमत हासिल करने के लिए कितनी सीटें हासिल करनी होती हैं? तो 46 सीटें। टोटल वहां पे सीटों की संख्या कितनी है विधानसभा में छत्तीसगढ़ में? तो 90। ये भी पूछते रहता है फ्रेंड्स इस एग्जाम में, नहीं तो किसी और में भी। और यहाँ पे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बिगेस्ट 68 सीटें हासिल की हुई है और जो कि वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसने 15 सीटें हासिल की हुई है। चलिए अगला देखते हैं। 15 वर्षों से वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही हुई है। चलिए अगला है कि शशिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं, यानी कि उर्जित पटेल जो कि 24वें गवर्नर थे उनके इस्तीफा देने के बाद, उसके पहले रघुराम जी राजन थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने दूसरा कार्यकाल नहीं लिया। तो इसमें डिटेल्स देख लेते हैं। शशिकांत दास को 11 दिसंबर 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार दिया गया और उनका कार्यकाल ये 3 साल का होगा और ये उर्जित पटेल के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें और देख लेते हैं। इससे पहले उर्जित पटेल निजी कारणों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। वे भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर थे। विदित हो कि केंद्र सरकार और RBI के बीच पिछले कई समय से यानी कि काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। RBI के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 के बीच रहा और उर्जित पटेल के इस्तीफे की बात पहले ही सामने आई थी
जब सरकार ने बयान जारी कर कहा कि रिजर्व बैंक की स्वायत्तता रिजर्व बैंक के एक्ट के तहत जरूरी है, उर्जित पटेल ने कहा कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया हुआ है। और ये आरबीआई का जो सेक्शन 7 है, इसके बारे में काफ़ी समय से बात चल रही है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रिजर्व बैंक का सेक्शन 7 यदि सरकार लागू करती है तो उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा पहले से ही मतलब जानकारी थी। और रिजर्व बैंक के सेक्शन 7 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वो आरबीआई के गवर्नर को गंभीर और जनता के हित के मुद्दों पर काम करने के लिए निर्देश दे सकती है। हालांकि वित्त मंत्रालय और आरबीआई को लेकर बयान जारी कर कहा गया था कि आरबीआई की स्वायत्तता जरूरी है और सरकार उसकी स्वायत्तता का सम्मान करती है। और शशिकांत दास के बारे में कोई बेहद जानकारी नहीं है। और इन्होंने जो सरकार की नोटबंदी हुई थी उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई हुई थी। और शशिकांत दास अभी 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी हैं और इन्होंने ब्यूनस आयर्स में जो 2 दिवसीय वार्षिक G20 बैठक हुई थी ब्यूनस आयर्स में, उसके दौरान शशिकांत दास को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी ये देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और ये रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। और इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और इसके भारतीय रिजर्व बैंक के कुल 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से सभी अधिकतर राजधानियों में ही स्थित हैं। और इसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बनता। और नोटबंदी की जब बात आई है तो नोटबंदी कब हुई थी ये भी पूछते रहता है, तो 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया था, जिसका प्रबल समर्थक और बहुत अहम भूमिका निभाई थी शशिकांत दास ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार और ADB ने तमिलनाडु में रोजगार सृजन करने के लिए $31 मिलियन के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB शॉर्ट में बोलते हैं, 11 दिसंबर 2018 को तमिलनाडु में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए 31 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन और संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के लिए समझौते की चौथी किस्त पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अपर सचिव समीर कुमार खरे, फंड बैंक और ADB तथा एशियाई विकास बैंक की ओर से भारत में बैंक के निदेशक केंची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है, उसमें थोड़ा सा डिटेल्स भी बता देते हैं, जहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है उसको सिर्फ मालूम करके बाकी आगे की जानकारी देखते हैं। तो अगला है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 4 मेडिकल उपकरणों को दवा की श्रेणी में रखा गया है, तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक अधिसूचना के तहत 4 मेडिकल उपकरणों को दवा की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस अधिसूचना के तहत ब्लड प्रेशर मॉनिटर, उसके बाद नेबुलाइजर, डिजिटल और थर्मामीटर तथा ग्लूकोमीटर की दवाओं को श्रेणी में रखा गया है। मंत्रालय द्वारा जारी इन 4 उपकरणों को ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के तहत दवा की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस निर्णय से इन उपकरणों की गुणवत्ता और कार्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। भारतीय दवा महानियंत्रक जनवरी 2020 तक इन उपकरणों के आयात, विनिर्माण तथा बिक्री को रेगुलेट करेंगे। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है कि भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया हुआ है। क्या किया हुआ है? अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया हुआ है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। भारत ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया 10 दिसंबर 2018 को। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि पिछली बार का करेंट अफेयर्स नहीं कर पाया पिछले दिन का, तो आज उसको मैं कवर कर ले रहा हूँ, और कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लगा। चलिए देखते हैं। यह परीक्षण दोपहर 1:30 पर किया गया और यह इस मिसाइल का 7वां परीक्षण है। 5,500 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल का यह परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा के समुद्री तट पर किया गया। अग्नि 5 की मिसाइल रेंज चीन, यूरोप और पाकिस्तान में आ चुके हैं। मतलब इसकी जो रेंज है वो यूरोप को, फिर चीन को, फिर पाकिस्तान को अपनी जद में लेगा। अग्नि 5 तकनीक के मामले में अत्याधुनिक है क्योंकि इसमें नेविगेशन, गाइडेंस, वारहेड और इंजन की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अग्नि 5 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। तो अग्नि 5 की लंबाई कितनी है? तो 17.5 मीटर है और यह 2 मीटर चौड़ी भी है, ठीक है। जबकि इसका वजन कितना है? 50 टन। अग्नि 5 मिसाइल 1.5 टन विस्फोटक ढोने की ताकत रखती है और इसकी गति सीमा, ध्वनि की जो गति सीमा है उससे भी 24 गुना अधिक है। इससे पहले अग्नि 5 का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो 2012 में किया गया था। दूसरा कब किया गया था? 2013 में किया गया था। तीसरा 2015 में, चौथा 2016 में, 5 जनवरी 2018 में, 6 जून 2018 में और 7वां सफल परीक्षण अब किया गया, ठीक है। तो उसके बाद अग्नि 5 मिसाइल जो है वो 3 चरणों में मार करने वाली मिसाइल है, जैसे कि हवा से हवा और जमीन से जमीन और जमीन से हवा, ठीक है। इस मिसाइल को लक्ष्य बिंदु की सटीकता भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल उसमें लगे कंप्यूटर को निर्देशित होगा और पृथ्वी और धनुष जैसी कम दूरी तक मार करने वाली सक्षम मिसाइल के अलावा भारत के मिसाइल बेड़े में अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि 3 मिसाइल भी हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल्स भी हम लोग जान लिए, वो डिटेल्स मैंने बताया उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला है। सुरजीत भल्ला ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का क्रम जारी है। उर्जित पटेल ने सबसे पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन थे वो भी इस्तीफा दिए, फिर ये सुजीत भल्ला भी इस्तीफा दिए। अब आगे देखते हैं कौन देता है। चलिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। सुरजीत भल्ला ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी लेकिन कोई खास वजह नहीं बताई। सुरजीत भल्ला का इस्तीफा 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ने अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला को आर्थिक सलाह परिषद में अंशकालिक सदस्य पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस परिषद की अगुवाई नीति आयोग के सदस्य विवेक देवराय करते हैं और रतिन राय, समीका रवि तथा असीमा गोयल इसके अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम सदस्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विश्व भर में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। विश्व भर में 10 दिसंबर 2018 को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस दिवस के उद्देश्य मानव अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा मानवाधिकार के हनन को रोकना है। मानवाधिकारों में मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता शामिल है। पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस दिवस पर दूसरों के अधिकारों के लिए कदम उठाना और विशेष उद्देश्यों के रूप में इसे शामिल करना किया गया है। अगला है कि मिजोरम विधानसभा चुनाव 2018 नतीजे, मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की। मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और मिजोरम में टोटल विधानसभा सीट 40 है। यदि पूछता है, क्योंकि पूछते रहता है कि विधानसभा सीटें कितनी है, तो वहाँ पे 40 है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो बन के उभरी हुई है वो मिजो नेशनल पार्टी, MNF जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। और मिजोरम विधानसभा चुनाव के पहले रुझान 9 से 10 बजे के बीच आ गया। यहाँ रुझानों के मुताबिक शुरुआत में ही MNF को बढ़त बनाई हुई थी और लास्ट तक बनाए रही। मिजोरम की 40 सीटों के लिए 26 सीटों पे MNF यानी कि मिजो नेशनल पार्टी ने जीत हासिल की, और 5 सीटों पे जो कांग्रेस ने जीत हासिल की हुई, और 1 सीट भाजपा जीत पाई, और 7 सीट जो है वो अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार जो कि निर्दलीय से चुनाव लड़े थे वो जीते हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने फ्रेंड्स आप लोगों के लिए यहाँ पे 11, 12 और 13 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स लाया, और आप लोगों को ये करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स कराया जाए या नहीं कराया जाए। कमेंट करिएगा तब कराया जाएगा, नहीं करिएगा नहीं कराया जाएगा। चलिए, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो या चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, ना अच्छा लगे डिसलाइक ज़रूर करिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं किसी अन्य रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।